आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 4 वर्ष पूर्व बना पशु सेवा केंद्र आज तक है बंद, पशुपालकों को नहीं मिल पा रही है चिकित्सा की सुविधा। खबर लक्सर के बाकरपुर रंजीतपुर गांव से है, जहां लगभग 4 वर्ष पूर्व क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए तथा क्षेत्र बड़ा होने की वजह से सरकार द्वारा पशु सेवा केंद्र बाकरपुर ब्लॉक लक्सर जिला हरिद्वार के नाम से पशु सेवा केंद्र खोला गया था, जो आज तक बंद पड़ा हुआ है। पशुपालकों का आरोप है कि हमें 4 साल पुराने बने पशु सेवा केंद्र बाकरपुर में आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया है, यह केंद्र जब से बना है आज तक बंद ही पड़ा है। ग्रामवासियों का आरोप है कि हमें अपने पशुओं का इलाज प्राइवेट डॉक्टर द्वारा कराना पड़ता है, जो कि हमें बहुत महंगा पड़ता है। हमारे पशुओं की लाम्पिक बीमारी के कारण झूला झूलन कर मौत हुई है, लेकिन यहाँ कोई सरकारी डॉक्टर देखने तक को तैयार नहीं होता। और तो और हमें अपने पशुओं का गर्भदान कराने के लिए पशु चिकित्सा केंद्र रायसी या फिर सुल्तानपुर ले जाना पड़ता है, जो कि हमारे से बहुत दूर पड़ता है, या फिर हमें मजबूर होकर गांव में घूम रहे झोला छाप डॉक्टर से ही कराना पड़ता है। पशु चिकित्सा अधिकारी रायसी डॉक्टर अमित कुमार का कहना है कि हमारे पशु चिकित्सा की ओर से जो भी पशु चिकित्सा केंद्र क्षेत्र अंतर्गत जो संस्था खुली है वह बाकरपुर के नाम से खोला गया है। उसका भवन तो तैयार है, लेकिन कोई तैनाती अभी तक नहीं की गई है। जो पशुपालक है वह पशु चिकित्सा केंद्र निरंजनपुर खुला है, जो वहां दिखा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि संस्था दूर होने की वजह से हो सकता है कि किसी प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखा लेते हो। अब देखना यह है कि किसी डॉक्टर हमारे राजकीय पशु चिकित्सालय क्षेत्र अंतर्गत टिक्कमपुर के नाम से जो संस्था खुली है वो बाकरपुर रंजीतपुर में खुली है। उसका भवन तो तैयार है, लेकिन अभी तक कोई तैनाती वहाँ पर नहीं की गई पशुपालन विभाग द्वारा, जिसके विषय में उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया है, और जैसे ही वहाँ पर कोई तैनाती होती है तो आप लोगों को उसके बारे में पता लग जाएगा। बाकी उससे संबंधित जो कार्य हैं वो निरंजनपुर हमारे जो पशु सेवा केंद्र पर तैनात पशुधन प्रसार अधिकारी हैं उनके द्वारा देखा जा रहा है उस क्षेत्र में। सर नहीं, ऐसा नहीं है, उधर से लोग हमारे यहाँ पर भी कुछ दवाइयाँ लेने आते हैं, पर संस्था दूर होने के कारण हो सकता है किसी प्राइवेट आदमी से उन्होंने संपर्क किया हो, पर हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पर वो फ़ोन कर सकते हैं। हमारी सचल एक वाहन भी चल रहा है अभी 1962 में, उस पर वो संपर्क करके अपने पशुओं का इलाज करा सकते हैं। आप यहाँ रहने वाला तो मैं बाकरपुर का, लेकिन हमारी पंचायत बाकरपुर रंजीतपुर की जी, हम भी हमारा खेत भी है, हमें भी से 4-5 साल हो गए देखते हो कोई डॉक्टर कोई सुविधा नहीं। जहाँ फिर डॉक्टर राय रंजीतपुर के हैं, विक्रमपुर है, मतलब प्राइवेट डॉक्टर दिखाना पड़ रहा मजबूरन और क्या करें, जब यहाँ है नहीं सरकारी डॉक्टर, आज तक कोई आया नहीं यहाँ पे। हाँ जी, और ये नहीं मिला, ये काफ़ी समय पहले बना हुआ अस्पताल है। कितने समय पहले बना? ये कम से कम लगभग 4 साल पहले यहाँ पे पशु केंद्र बनाए, इसका कोई लाभ नहीं मिला आज तक गांव वालों को, ना कोई डॉक्टर आता है यहाँ पे। हमारे पशु भी काफ़ी बीमार हो के मर गए यहाँ पे, और आज तक कोई डॉक्टर नहीं आ पाया है। और लक्सर केंद्र का ये काफ़ी बड़ा अस्पताल है, इसका लाभ मिलना चाहिए गाँव वालों को।